है आपका प्यारा बादल। देखो कितना नीचे है यार, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना नीचे पहुंचा हुआ है। ये देखो आपको किया के ऑपोजिट यहाँ पे विंड मिल्स भी दिखेंगे, पेड़ों तक ऊपर तक पानी आया हुआ है, फ्लडिंग है पूरी पूरी। तो गाइस सुबह का बज रहा है 9, आज हम निकलते हुए हो गए हैं लेट, और कितना टाइम हो रहा है अभी, हमें नाश्ता भी करना है। यहाँ से हमें अराउंड कुछ 6 से 7 घंटे लगने हैं, तो कोशिश करते हैं नॉन स्टॉप चले और बैंगलोर का ट्रैफिक शुरू होने से पहले ही हम घर पहुंच जाएं। और आज बना हुआ है बाहर बारिश का मौसम। फर्स्ट फ्लोर ने होटल बाहर एयरपोर्ट पे ही लिया था, एयरपोर्ट रोड पे, तो हमें ज्यादा अंदर से अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बस एक यू टर्न लेना है और हम NH 44 पे होंगे। ये थी स्मार्टनेस की, एक होटल एयरपोर्ट रोड पे ले लो और उसके बाद तुम्हें अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। बेसिकली जब आपने सिर्फ चलना चलना होता है तो अंदर सिटी में घुसने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हम यहाँ से ले रहे हैं यू टर्न। इस बार तो हम सारे ही ऐसे ही होटल में रुके हैं जो बिल्कुल हाईवे पे है, क्योंकि हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते थे। अगर सिटी में एक बार चले जाओ तो ट्रैफिक पता है ना आपको क्या होता है। सुबह का नाश्ता इडली और उपमा। इडली कुछ ज्यादा ही आ गई यार, 3-3 इडलियां थी एक प्लेट में। आगे लिखा है ओनली फॉर एयरपोर्ट। यहाँ से छोटे से रास्ते से निकल के अब हमें वो मेन रोड पकड़नी है और इसके बाद NH 44, आई थिंक ये ऑलरेडी NH 44 है। गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात, वेलकम बैक टू द चैनल एंड टू अ न्यू वीडियो। आज हमारी जर्नी का लास्ट लेग है, लास्ट लैप है। 2000 किलोमीटर्स की इस जर्नी को आज हम खत्म करने जाएंगे सक्सेसफुली, एंड 1.5 महीने से ज्यादा के बाद आज हम घर जाने वाले हैं ना। दिल्ली में हमारा 1.5 महीना लगा है। तो अब जो आप वीडियोज देख रहे हैं ना, ये सब वीडियोज आ रही हैं, मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं आ रही है। सबसे पहले मैं आपके साथ गंगोत्री धाम की वीडियोस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो सबसे एडवेंचर से भरा हुआ ट्रिप था। चलो आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं फुल एनर्जी के साथ, हम दोनों आज चार्ज अप है, तो शुरू करते हैं आज की जर्नी लेके माता रानी का नाम। जय माता रानी, लेट्स गो, लेट्स रॉक, गो गो, लेट्स गो। तो आज की जो जर्नी है उसमें हमें लगने वाले हैं कुछ 8 घंटे, और किलोमीटर्स हैं हमारे 536 किलोमीटर्स। कल ही हमने मेजर किलोमीटर्स कवर कर लिया, 800-800 की जर्नी करके हमने 2 दिन में काफी 1600 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। तो आज की जर्नी हमारी थोड़ी सी हल्की है और हम 9:30 बजे निकल रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं इस वक्त बेसिकली। ऑफिस का ट्रैफिक शुरू हो चुका है तो हमें जल्दी से ना पहले बाहर निकलना पड़ेगा हाईवे। और ऑफिस नहीं है, ओ आज ऑफिस नहीं, आज संडे है। देखो मैं तो भूल ही गई हूँ, मैं तो भूल गई, गजनी बन गई। चलो ठीक है, आज फिर निकलते हैं, आज कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला इट सीम्स हमें, बट बारिश का मौसम फुल ऑन है। दिल्ली की पेट पूजा कराने आए थे बट ये निकला सिर्फ डीजल का पंप, नो पेट्रोल पंप। अभी आगे देखते हैं, गोली का नाश्ता कराना भी अपने को जरूरी है। इसके बाद ये आई थिंक हमारा आखिरी टैंक होगा जो भरेगा इसमें गोली में, हाँ 4th टैंक है जो अभी हमने जर्नी अपनी दिल्ली से स्टार्ट करी थी। आंटी बस कर, गूगल माता कितना बोलेगी। तो ये हमारा 4th टैंक है जब हम दिल्ली से चले थे, तो इस 2000 किलोमीटर की जर्नी में ये हमारा 4th एंड लास्ट टैंक होने वाला है। इसकी कैपेसिटी टैंक की 40 लीटर्स है हमारी गाड़ी की, और जो रेंज ये लेती है 550 टू 600 किलोमीटर्स की ये फुल रेंज ले लेती है, उसके बाद भी रिजर्व थोड़ा बचता है डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल ऑफ ड्राइविंग एंड कितना पेट्रोल फूक रहे हो, कितनी ब्रेकें मार रहे हो, कितना गियर चेंज हो रहा है उस पर। कंसिस्टेंट स्पीड पर यह आराम से 600 किलोमीटर प्लस ले जाती है फुल टैंक। फर्स्ट टाइम नायरा पेट्रोल पंप से हम पेट्रोल भरवाने जा रहे हैं। रेट है यहाँ पे 110। उधर देखो फैमिली पूरी निकली हुई है और फैमिली ईटिंग ब्रेकफास्ट हो रहा है पेट्रोल पंप के साथ में, मस्त है। पता है ये भी इंजॉयबल मोमेंट्स होते हैं, हमने भी बचपन में पढ़े करे ये। तो देखो यार हमारा बैंगलोर रह गया है 514 किलोमीटर, 514 किलोमीटर, और बारिश ने अपना स्वागत कर लिया है। हम सोच रहे थे बारिश नहीं मिलेगी हमें आज, बट आज हमें बारिश मिल रही है। अभी तो हैदराबाद में ही है, जस्ट NH 44 पे है, तो हमें बूंदाबांदी मिल चुकी है। फर्स्ट
रोड में आ गए और सिंगल रोड ऐसे फटी पड़ी है पूरी और हर जगह यार पानी भरा हुआ है। इतनी बारिश हुई है हैदराबाद में, वैसे इतनी बारिश देखी नहीं है हमने, बट इतनी बारिश यहाँ पे हुई है कि पानी ही पानी भरा पड़ा है। बीच में ब्रेक टाइम आ गया, यहाँ पे एक फूड कोर्ट पर रुक गए हैं। सुबह मैंने चाय वगैरह नहीं ली थी तो अभी चाय लेंगे कुछ। और जो टाइम रह गया है 4:30 किलोमीटर रह गए हैं यहाँ से 6.5 घंटे, तो चलो चाय वाय पी के फिर निकलते हैं आगे। गाइस अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग पे आ गया हूँ, हमारा कैमरा पर्सन चेंज हो गया और अब ये है कि भाई मैं थोड़ा आराम कर रहा था। मैंने कल 800 किलोमीटर चलाया है। हाँ, तो मैंने उनको दिखा दिया आप सोते हुए तो अब तुम मजे ले लो। अब ये देखो ड्राइव देखो तश्तरी है। देखो भाई ये एक बहुत खतरनाक वाला बादल है, देखो उड़न तश्तरी उड़न तो UFO है और ये हमारा व्यू बिगाड़ कर रहा है। ये तो ये लो यार, ये गाइस ये आपका प्यारा बादल उड़न तश्तरी UFO। देखो कितना नीचे है यार, ये ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना नीचे पहुंचा हुआ। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है यार। सो दिस इज द सेकंड टाइम एक्चुअली कि हम यहाँ पे ना शर्मा ढाबा पंजाबी फैमिली रेस्टोरेंट पे रुके हैं। जस्ट टोल क्रॉस करते ही आए, यहाँ पे टोल है तो टोल क्रॉस करते ही आए हैं और भी खाना खा के निकले हैं। सबसे पहले आ रही है छाछ, उसके बाद आएगा खाना। खाना खाने का मेरा तो ज़्यादा मन नहीं है, मैं छाछ ही लेने वाली हूँ, एक आध रोटी या आधी रोटी खा लूँगी बस। अलग मंगाया मैंने, बस बहुत ज्यादा हो गया, इतनी मिर्चियां नहीं खाने वाली भाई मैं। मिर्चियां निकाल देना, यहाँ से पानी आया होगा। भाई लोग यार यहाँ पे हम लोग अनंतपुर पहुंचने वाले हैं और लुक्स लाइक कि अनंतपुर और हैदराबाद और सब जगह बारिश हुई है खूब जबरदस्त और फ्लड्स हर जगह ही आई हुई है। होटेलमेंट में 25 डिग्री, मतलब बाहर का है 25 डिग्री और हमने एसी का भी 25 डिग्री कर रखा है। बड़ा प्लेजेंट मौसम, इतना फ्रेश मौसम हुआ है ना कि बाहर निकल के मस्त मजे आ जाएंगे। इतनी गर्मी ह्यूमिडिटी से निकल गए ना, यहाँ पे आके बड़े मजे आ रहे हैं। भाई बारिश में मैंने 11:30 बजे से अभी तक चला ली है, अभी बज रहा है दोपहर का 3:30, 3:40 ठीक है। तो अब हम किया मोटर्स में यहाँ रुक गए, यहाँ से जस्ट 120 या 150 किलोमीटर है, तो चलो चलते हैं यहाँ से। और अब गौरव इज ऑन द व्हील्स, मैं 3-4 घंटे चला लिया माय ब्रेक टाइम, अब हम सीधा पहुँचेंगे बैंगलोर। ये देखो आपको किया के ऑपोजिट यहाँ पे विंड मिल्स भी दिखेंगे, तो ये रहा किया और ये रही विंड मिल्स। नाटक
पहुंच गए, ये है बागेपल्ली टोल प्लाजा कर्नाटका। तो भाई फाइनली कर्नाटका एंटर हो रहे हैं हम, और टोल भाई निकल ले, क्या कर रहा है भाई? यार बाहर का टेम्परेचर ना इस वक्त हो रहा है 22 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे अंदर एसी का टेम्परेचर हो रहा है 24 डिग्री। साथ में हम क्लॉक कर चुके हैं 2000 किलोमीटर से ऊपर, हो गया 2000 किलोमीटर। अभी घर पहुंचने तक देखते हैं कितने किलोमीटर हो जाते हैं। और साथ में आपको ये भी बताती हूँ गोली टोटल अभी तक कितनी चल चुकी है। ये देखो मैप में आपको यहाँ पे कोई भी पानी की बॉडी नहीं दिख रही होगी, फ्लड आया हुआ है, पूरा का पूरा फ्लड आया हुआ है। ये देखो ये सारा पानी है, और इधर देखो कोई भी वाटर बॉडी नहीं है, पेड़ों तक ऊपर तक पानी आया हुआ है, फ्लडिंग है पूरी की पूरी। और ये बैंगलोर के सिटी ट्रैफिक में हम पहुंच चुके हैं, बस आधा घंटा और घर पहुंच जाएंगे, अराउंड 6:15 बजे तक घर पहुंचेंगे और फिर आपको फाइनल अपडेट देते हैं। फाइनली यार घर पहुंच गए 1.5 महीने बाद, आई एम सुपर डुपर हैप्पी। घर पहुंचने की खुशी कुछ और होती है, मतलब जाने की भी मुझे खुशी होती है और वापसी आने की भी खुशी होती है, मतलब घर पे जाके बस पसरना है, घर का खाना है, एंड आई एम सुपर डुपर हैप्पी। नहीं हमें तो घर का मिल रहा था खाना, बट बट यार एक चीज होती है, 3 दिन खा के पक गए ना बाहर का। नहीं हमें ये है, बट हमने बहुत बाहर का खाया है, तो बस अब घर जाना है। ओ माय गॉड, और मेरे पौधों का पता नहीं क्या हाल होगा। चलो अब आपको बता देती हूँ कि गोली का क्या हालचाल चल रहा है, और वो आपको दिखाती हूँ। सारा सामान भी ऊपर लेके जाना है हमें, तो चलो आपको गोली का बताते हैं पूरा ट्रिप। ये हमारा अभी दिल्ली से बैंगलोर का जो है 2088.888। हाँ 22 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, और टोटल बताता हूँ जो हम लोग बैंगलोर से निकले थे। एक सेकंड को जरा, हाँ ये है भाई 7,520। ओ भाई मतलब हम जब 1.5 महीना पहले चले थे तो अभी तक 7,500 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी एवरेज, है एवरेज देखो टोटल ट्रिप की 15.2 जिसमें पहाड़ों में चली है। हाँ पहाड़ों में चली है, और भाई पता नहीं हमारे हर ट्रिप इतने लंबे लंबे क्यों होते हैं। राइट, हमारे सारे ट्रिप इतने लंबे लंबे 8,000-9,000 किलोमीटर के होते हैं। तो चलो इस ट्रिप को यहीं खत्म करते हैं, विद अ हैप्पी नोट हम लोग घर पहुंच गए हैं। आपको भी वीडियो बहुत पसंद आई होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आप बताओ हमें कहां से हमें देख रहे हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, बताओ जरा कहां से देख रहे हो। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ट्रिप पे, कहां मिलेंगे वो नहीं पता। अगर जिस सिटी से हम गुजरे हैं आप वहां उस सिटी हो तो आप उस सिटी का नाम जरूर शाउट आउट कर देना। हाँ शाउट आउट। ओके चलो बाय, टेक केयर।